और हाँ बच्चों, कैसे हो सब? आप सब की ब्लेसिंग से मैं आज आपके सामने हूँ। मेरे हाथ का प्लास्टर कट चुका है, मैं ठीक हूँ। काफ़ी हद तक मेरा हाथ ठीक है। अब मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी नई नई रेसिपी, नई नई ट्रिक्स के साथ। तो यहाँ देखिए बच्चों, घर में अक्सर हमारे यहाँ कढ़ाइयाँ होती हैं। कढ़ाई नॉन स्टिक तो हम इतनी नहीं ज़्यादा जलाते, लेकिन ख़ास तौर से एल्यूमिनियम की, स्टील की कढ़ाई को हम थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब ऐसे में होता है ये कि कढ़ाई काफ़ी गंदी हो जाती है। बीच बीच तो उसका साफ रहता है, लेकिन साइडों से वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस कढ़ाई को साफ़ करने के लिए। तो आज मैं बताऊंगी एक तरीका जिससे बहुत कम मेहनत में कढ़ाई आपकी बहुत ही साफ़ हो जाएगी, बिल्कुल नए जैसी कढ़ाई हो जाएगी। कढ़ाई हो या कोई भी ऐसा बर्तन हो, साफ़ सुथरा होता है तो खाना बनाने का मन करता है। अब ऐसे में हमें इसे कैसे साफ़ करना है? तो ये कढ़ाई बहुत ज़्यादा गंदी नहीं हुई है, हम चलते हैं इसे साफ़ करने के लिए। ये देखिए, कढ़ाई के पीछे बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो एक दिन ये काली, पूरी कढ़ाई काली हो जाएगी। तो इसे हमें चाहिए थोड़े थोड़े दिनों में साफ़ करना। कढ़ाई छोटी हो या बड़ी हो, साफ़ करने का तरीका यही होता है। अब ये छोटी कढ़ाई है, मेरी बहुत यूज़ होती है, तो मैं इसे साफ़ करती हूँ। यहाँ पर मैंने एक बड़ी कढ़ाई रखी है। अब इस बहाने बड़ी कढ़ाई भी साफ़ हो जाएगी, छोटी कढ़ाई भी साफ़ हो जाएगी। उस कढ़ाई में रखा है मैंने 3-4 ग्लास पानी, थोड़ा सा नमक डाल दिया है और थोड़ा सा नींबू, नींबू का छिलका भी आप इसी में ही डाल दीजिए। अगर आपके पास नींबू ना हो तो 1 से 1.5 चम्मच वाइट विनेगर डाल दीजिए, जो हम खाने में यूज़ करते हैं। यहाँ मैंने डाल दिया 1 चम्मच मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। यहाँ पर आप डाल दीजिए कोई भी डिश वॉश जो आप बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब ये बहुत अच्छे से उबलेगी और ये कढ़ाई हमारी इस तरीके से साफ़ होगी। ये देखिए, इस तरीके से हमारी बड़ी कढ़ाई भी साफ़ होगी और छोटी कढ़ाई भी साफ़ होगी। और मैं इस कढ़ाई को साफ़ करने के टाइम आपको ये भी बताऊँगी कि अगर कढ़ाई इससे बहुत ज़्यादा गंदी हो तो आपको एक और तरीका भी है, उससे भी आपकी कढ़ाई चमक जाएगी। यहाँ देखिए, मैंने इस कढ़ाई को निकाल दिया एक टब में। यहाँ पर मैं आपके सामने साफ करूँगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें डिटर्जेंट और डाल रही हूँ और इसके साफ कर रही हूँ। अब क्योंकि ये कढ़ाई एल्यूमिनियम की है तो स्टील का जूना भी चल सकता है, हम इसमें साफ करेंगे, इसे रगड़ेंगे थोड़ा सा। और ये देखिए, रगड़ने की देर है, ये बहुत ही जल्दी साफ हो जाएगी। हमारी थोड़ी सी मेहनत में कढ़ाई चमक जाएगी। ये आधा चम्मच है कास्टिक सोडा। अगर कढ़ाई बहुत ज़्यादा गंदी हो गई हो, पूरी तरीके से काली हो गई हो, तब आप ये आधा चम्मच कास्टिक सोडा भी डाल सकते हैं इसी गर्म पानी में। फिर आपकी कढ़ाई कितनी भी गंदी हो, साफ़ हो जाएगी। और हमेशा इसे जब साफ़ कीजिए, कास्टिक सोडा डालने के बाद हमेशा ग्लव्स से ही कढ़ाई को साफ़ कीजिए, उससे आपके हाथों को कभी नुकसान नहीं होगा। एक और बात, अगर आपको कास्टिक सोडा का पूरा प्रूफ देखना है कि कैसे ये मिनटों में हर गंदगी को साफ़ कर देता है, तो मसाला किचन जो हमारा दूसरा चैनल है उस पर आप देखिए, चिमनी के फिल्टर को हमने साफ़ किया है और ये देखेंगे कास्टिक सोडा से सिर्फ मिनटों में बिना ब्रश लगाए उस चिमनी के गंदे फिल्टर को हमने साफ़ किया है, जो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूँगी, उसे आप ज़रूर देखिए। बस इसे थोड़ा थोड़ा रगड़ते जाइए और उस कढ़ाई की चमक देखते जाइए। ये देखिए, कढ़ाई काफ़ी हद तक साफ़ हो गई है, बस हैंडल के साइड थोड़ा सा गंदा है, वो भी अभी मैं साफ़ करके दिखाऊंगी। ये देखिए, हर तरफ से कढ़ाई चमक गई है। भले ही छोटी कढ़ाई हो या बड़ी कढ़ाई हो, कोई भी बर्तन हो, घर में इसी तरीके से साफ़ होना चाहिए। तो ये कढ़ाई साफ़ करने का तरीका कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मीठे सोडे के बदले आप इनो का एक सैशे भी डाल सकते हैं, जो आपके पास हो उसे आप यूज़ कीजिए। बस इन बर्तनों को साफ़ कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।